इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। छठवीं भक्ति का दर्शन करिए, कुछ नहीं है। छठ दम इंद्रियां निग्रहित हों, इंद्रियां अपने ओर हों, अपने मने परमात्मा की ओर। जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, जीव ब्रह्मैव अपने ओर, अंतर्मुखी बहिर्मुखी न हो। रसना बहुत लप लपाए नहीं, कान व्यर्थ की बात सुने नहीं, आंख चाहे जो देखे नहीं, त्वक जाहे जहां लपटाए नहीं, ये सहज है। छठ दम इंद्रिय निग्रह दम मन निग्रह सम, मन शांत हो। बहुत हलचल नहीं आजकल, बड़ी कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। मन का शांत होना बहुत कठिनाई हो गई है। क्यों हो गई है? मनुष्य बैठा कहीं रहता है, जाता कहीं रहता है, सोता कहीं रहता है, खाता कहीं रहता है। कई बार आपको लाइव में सुनाया, मनुष्य की मन की अवस्था इतनी विकट हो गई है कि मेरे मित्र हैं, एक दिन वो शरीर से कहीं मन से कहीं थे, बड़े व्यापारी हैं, कानपुर में रहते हैं, टेलीफोन बजा, इतने में चाय आके रख गई। टेलीफोन लगाना है कान में, चाय मुंह में, चाय लगा लिए कान में, टेलीफोन मुंह में, पूरी चाय कान में गिर पड़ी। बताने लगे, हमने कहा आपको मैं 3 वर्षों से कह रहा हूं कि कम से कम, अरे भाई देखिए, कुछ का कुछ तो रखना होगा ना, हम जी ही नहीं पा रहे। कल एक बात बड़ी अच्छी आप सबसे निवेदन किया, ये जो माया है, संसार है, सब व्यर्थ की बात है। इसी संसार के लिए आप बहुत प्रयास करते हैं, दिन रात मरते हैं, खपते हैं, और जब ये मिलता है तो कहते हैं ये माया है। तो पहले अज्ञान में थे कि अब अज्ञान में? संसार को माया वेदांतवादियों ने बताया है। मैं आपसे कहता हूं, राम कथा कहती है परमात्मा श्री राम ऐश्वर्य में रह गए, आप राम भक्त हो, ऐश्वर्य में रहने का अभ्यास करो। माया है, रोना है, गाना है, कुछ माया नहीं। जगत के प्रति हमारा अन्यथा जो लगाव है, ये लगाव माया है, और क्या माया? अब श्री रामार्चन मंदिर सदगुरुओं का संकल्प है, पैसा लगेगा। आप कहो प्रेम भूषण जी माया में फंस गए, अरे जब हमारे बाप नहीं फंसे तो हम काहे फंसेंगे, कोई फंसता वस्ता नहीं। ये तो कार्य है जी, ये जगत ऐश्वर्य से चलता है, मायात्मक प्रवचन से नहीं चलता है। 24 घंटे हम लोग चलते रहते हैं, कल पूर्णाहुति करेंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे और चले जाएंगे, फिर घूम फिर करके 15 के बाद घर पहुंचेंगे, 15 मई के बाद। तो माया घेरे है कि कथा घेरे है? जिस जगत को इतने प्रेम से हम सजाते हैं, बनाते हैं, इनकी कृपा से पाते हैं, उसको एक एक वाक्य, जगत माया है, किसने कहा? जगत के प्रति हमारा जो अन्यथा लगाव है, इतनी तैयारी रखो कि परमात्मा कहें कल चलना है तो बोलिए सरकार कल क्यों, सरजू नहाले आजे चलते हैं साथ में। कल क्या होता है जी, कल किसने देखा है? मन से सर्वकाल मुक्त रहो, जब बुलावा आए, जिस क्षण बुलावा आएगा, मुस्कुराते जाएंगे, लौट के फिर अयोध्या आएंगे। चिंता में नहीं, रो रो कर नहीं,
रो रो कर जीवन तो जीना भी नहीं, और जगत के ऐश्वर्य को मायावादियों की तरह माया बताना भी नहीं, ये बड़े प्रयास से मिला है। कथा के माध्यम से एक दिन मैं अपने सुपुत्र राघव को समझा रहा था कि बेटा तेरे बाप साइकिल से कथावाचक बने थे, और साइकिल से कथावाचक होकर बाप तेरे सफारी में आ गए राघव कृपा से। तो आप चिंतन सफारी से शुरू करना, साइकिल से शुरू करोगे तो किराए पर रख दूंगा, फिर तपस्या करो। अरे भगवान ने दिया है, भगवान ने आपको मानव तन दिया है, ऐश्वर्य दिया है, मुस्कुराते हुए आनंद में रहो, घर परिवार में एकदम नवमी पूजो यार, क्या रो रो कर जब मिलते हो तब बड़ा कष्ट है। देखो न बच्चों के दुख से दुखी हो, न पत्नी के, न भाई के, न पड़ोसी के, सबका प्रारब्ध दुख सुख लेकर आता है। आप तो बस अरे जय जय में रहो। रामनवमी छूटे नहीं, विवाह महोत्सव छूटे नहीं, जब जब अवसर मिले कार्तिक पूर्णिमा निभ जाए तो निभा लो, तीर्थ यात्रा बंद न हो। जगत की यात्रा चलते चलते न जाने कब बंद हो जाएगी, भगवत यात्रा बंद न हो, किसी में चलते रहो। तो चलते रहो, बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, मेरे प्रभु ने बंद किया क्या? युवावस्था में सरकार गए, लीला करके लौट के आए। आप भी किसी के लिए भजन बंद न हो। और दोबारा तीसरी बार ये बात कह रहा हूं, जब भी अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारिका पुरी कहीं जाना हो, संघाती न ढूंढियो, टिकट कटा के चुप्पे रख लियो, जब पहुंच जाइयो तो कह दिए भैया माफ करिए हम तो पहुंच ही गए, जो साथ वाले थे वो घर ही रह जाए हैं, आई है ना, हमारे मोबाइल में 50 SMS आया है, सरकार क्षमा करेंगे। हमने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, न क्षमा करेंगे न सजा करेंगे, हम तो कथा करेंगे। कहो अरे भैया अति हरि कृपा जाहि पर भक्ति पथ तपाम सरकार ने भक्ति का पथ बताया, एक पथ आप पकड़िए, शबरी अम्बा को भगवान ने विदा किया, आगे बढ़े। अरे भेटाई गए नारद जी, भेटाई गए मोर शाप करी अंगीकारा। प्रभु नारद जी महाराज ने भगवान से एक वर मांगा, हे नाथ यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति कह अधिक एकते राम सकल नामन ते अधिक हो नाथ अग्र। प्रभु राम नाम सब नामों में शिरोमणि हो, और नाम चंद्रमा, और आपका श्री सीता राम नाम, अरे और नाम तारागण, और श्री सीता राम नाम चंद्रमा की भांति भक्त के हृदय आकाश में प्रकाशमान होता रहे। भगवान ने तथास्तु कहा, ऐसा ही होगा, इसलिए राम नाम की महिमा है भैया, भगवान नाम में राम नाम की बड़ी महिमा, श्री सीता राम नाम की बड़ी महिमा है। और देखिए गाते 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 प्रीत दृढ़ हो जाती, भगवान नाम गाते गाते प्रीत दृढ़ हो जाती है, कैसे गाना कब गाना इस सब का बोध अपने आप हो जाता है। कहने का अभिप्राय केवल इतना है, भगवान श्री हरि का सीताराम नाम, जो भी आपके इष्ट हों उनका नाम, देखो इसमें कदापि भटकना नहीं चाहिए, हम तो इनके भक्त हैं तो इनका कैसे, अरे नाम भगवान का, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं।
कहाँ विप्र सुदामा है रुक थी। भाव केवल यह है कि भगवान नाम यही सज्जन का कार्य है। कहाँ करें, कैसे करें, और ये उद्यम होगा। भगत को ये कदापि नहीं चिंतन करना चाहिए कि हमको अखंड रामायण करना है, कराना है, तो कौन कौन करेंगे। आप प्रारंभ करो, कोई न करे तो मर्द मेहरारू मिल के करें, चेटे पेटे करें, मुहर्रे वाले करें। साधु ये थोड़ी सोचता है कि कब होगा, क्या होगा। जय प्रारंभ भगवान का कार्य है, भगवान अपने आप पूर्ण करते हैं, जीव नहीं करता। कोई भी कार्य भजन का यहाँ दर्शन करिए। प्रभु आगे चल रहे हैं, माँ ने कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा, आप आगे जाइए पंपा सर पर, वहाँ सुग्रीव से मैत्री होगी, गुरु आज्ञा से वो सब काम संपन्न करेंगे। भगवान ने माँ को विदा किया, वहाँ गए, नारद जी मिले, आगे बढ़े, संत लक्षण सुनाकर श्री हनुमान जी महाराज मिले। अब देखिए भक्ति पथ में श्री हनुमान जी के मिलने तक तो यात्रा चाहे जैसे करते रहो। श्री हनुमान जी की आराधना आपने प्रारंभ कर दी तो श्री हनुमान जी अपने आप जहां पहुंचाना होगा आपको पहुंचा देंगे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन अज्ञा बिनो पैसा। आज्ञा बिना प्रवेश नहीं मिलता। और श्री हनुमान जी तो भगत को देख करके तत्काल आज्ञा प्रदान कर देते हैं। हम लोग भी जब कथा प्रारंभ किए तो हनुमान जी महाराज को ही सुनाए, सभी कथाकार सुनाते हैं कब प्रेम से। आहा, पहली पारायण श्री हनुमान जी महाराज शिव बाबा सुने और सभी भवन वाले कक्ष में हाँ ऊपर ज्योतिषी जी के बगल में पीछे, फिर सरजू मैया, फिर भोले बाबा, क्रम बढ़ाइए। आप में से कई लोग कथाकार बैठे होंगे, ये मत सोचिए कि कथवा के कराई, हनुमान जी को शिव जी को सुनाइए, खुदे बताई हैं कि अब के सुनी। हाँ हमने तो कभी पूछे नहीं कि हमके के बुलाई, केहू ने बुलाई तो खुदे टंडीला लेके घूमते रहते थे, वैद वैद तुम ही लगवा लो, और हनुमान जी सबको बताते थे। चलो सुन लो, देखिए हम आप सुन रहे हैं, सरकार का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।